हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। आज हम इन दोनों मेथड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक जगह दूसरे को लाना, मतलब किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। तो हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई है, इसमें ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली सेकेंड इक्वेशन है। इसमें हमें किसी भी मतलब इक्वेशन के में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं इन मेथड्स की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन ली है। फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम किसी भी वेरिएबल की एक वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो मैंने फर्स्ट वाली ली है। इससे मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करी है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। हमने वाई को इधर ट्रांसफ़र करा तो ये माइनस में हो गया, तो एक्स की वैल्यू हमारी 14 माइनस वाई आ गई है। अब हम इस वैल्यू को सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल में 4 है। तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुटअप करी तो 14 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल में 4 आया। अब इसको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा और ये 14 और ये 4। अब हम माइनस 2y और 14 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा, तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब ये माइनस में इधर और इसमें से हम 14 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, क्योंकि ये 14 माइनस में है, बड़ा है इसलिए। अब यहाँ से माइनस माइनस ये कट हो जाएंगे और 2 मल्टीप्लाई में है तो ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारी वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हमने वाई की वैल्यू अब 5 ऑप्टेन कर लिया। अभी हम वाई की वैल्यू को अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके एक्स की वैल्यू ऑप्टेन कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन ली है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में एक्स प्लस वाई इजिक्वल में 4 है। इसमें मैंने वाई की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू निकाली है, तो एक्स प्लस ये वाई की वैल्यू 5 पुट करी और इक्वल में 14। अब इधर वाई की वैल्यू 5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 14 में से 5 जाएंगे तो 9 और एक्स की वैल्यू हमारी 9 आ गई। तो हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हमारी सेकंड मेथड एलिमिनेशन मेथड है। इस मेथड में एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक वैल्यू को हटा देना, मतलब एलिमिनेट कर देना। तो हमने एक एग्जांपल लिया है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसमें हम किसी भी वेरिएबल को पहले सेम कर लेते हैं और उसके बाद उसको आगे सोल्व करते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन ली है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल में 5। ये इसमें पहले सेकेंड वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे ओनली वाई है, यहाँ पे माइनस 3y है, तो इनको सेम करने के लिए यहाँ पे ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 3y होगा। तो इस पूरी इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसके कोफिशिएंट में 1 है ओनली, तो हम इस सेकेंड वाली इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा पूरी इक्वेशन में, तो हमें 3x प्लस में 3y इक्वल में 15 ऑप्टेंड होगा और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे की वैसी वैल्यू ये इक्वेशन हमें ऑप्टेंड होगी। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा और ये 15 प्लस 4 हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई में है तो हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू 19 अपॉन 5 आ गई। अब ऐसे ही हम ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, और वैसे ही हमने जैसे y की वैल्यू को सेम करा था वैसे ही x की वैल्यू को भी सेम करके निकाल सकते हैं। तो मैंने दोनों करी है। तो पहले ये x की वैल्यू सेकेंड वाली इक्वेशन में मैंने पुट करी है तो y की वैल्यू ऑब्टेन करी है। तो सेकेंड वाली इक्वेशन ये है, इसमें 2x माइनस 3y इक्वल में 4, तो ये x की वैल्यू 19 अपॉन 5 है। तो यहाँ पे पुट करी है तो इसको जब मल्टीप्लाई करा तो 38 अपॉन 5 आया और 4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में आ जाएगा और ये माइनस 3y को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इधर प्लस का 3y आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम की हेल्प से, तो हमारा 18 अपॉन 5 आएगा और इक्वल में 3y आएगा। अब इसको ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके ये डिवाइड में आ जाएगा तो 18 अपॉन 15 होगा। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 3 से, तो हमारी वाई की वैल्यू 6 अपॉन 5 आएगी। और ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, और जैसे हमने पहले करा था वाई को सेम करके, अब वैसे ही हमने एक्स की वैल्यू को सेम करके करा है।
तो एक्स में हमने 1 का मल्टीप्लाई करा और ये सेकेंड वाली इक्वेशन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा पूरी इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन 2x-3y=4 आई है और सेकेंड वाली इक्वेशन 2x+2y=10 आया है। अब यहाँ पे अगर साइन सेम हो तो हम उसको चेंज कर देंगे और अगर सेम नहीं हो तो रहने देंगे वैसे ही। तो यहाँ पे साइन सेम है हमारी तो हम इसको चेंज कर देंगे, ये प्लस में तो हम इसे माइनस में कर देंगे और ये प्लस में तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस माइनस ये प्लस में थी तो हमने माइनस करी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 3 और 2 5, तो 5y हो जाएगा माइनस का 5y, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। ये अब ये दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कट हो जाएंगे और बचेगा 5y और इज इक्वल में 6 बचेगा। तो ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारी 6/5 आएगी। तो हम ऐसे ही एक्स की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं और वाई की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं।